अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। आज का तबसरा भी कई सारी खबरों को समेटते हुए पेश करने की कोशिश करेंगे। इतना तो सच है कि मुसलमानों के आजमाइश का दौर भारत में शुरू हो चुका है। एक और खबर, एटा जैसलमेर के बड़े मियाँ छोटे मियाँ दरगाह अब सुर्खियों में है। पहले दरगाह पर हरे रंग के परचम लगाया करते थे, लेकिन अब लोगों ने भगवा कलर के परचम लगाया। मुसलमानों में भी कुछ लोग भगवा परचम को चिश्तिया रंग के तौर पर देखते हैं, लेकिन अब भगवा परचम लगाने को लेकर दरगाह को ही मंदिर कहते हुए कब्जा करने की कोशिश जारी की गई है, ऐसी इत्तला हासिल हुई है। कर्नाटक से मामला शुरू करने से पहले हैदराबाद से, हैदराबाद में जो निर्मल नगर निजामाबाद में 2012 में जो 15 मिनट की तकरीर की गई थी अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से, आज उस तकरीर के मद्देनजर 40 दिन तक जेल में भी रहना पड़ा था। लिहाजा अदालत ने, हैदराबाद स्पेशल कोर्ट ने आज बरी कर दिया। खैर, कर्नाटक की बात की जाए तो ईश्वरप्पा जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ बकने के आदि हो रहे थे, अब इनका वजारत से हाथ होना तय माना जा रहा है। ठेकेदार संतोष पाटिल की मौत को जिम्मेदार रियासती वजीर ईश्वरप्पा को ठहराते हुए 40% कमीशन की मांग ठेकेदार संतोष पाटिल से ईश्वरप्पा ने की थी। लिहाजा भाजपा हुकूमत में रिश्वतखोरी किस इंतहा तक पहुंच चुकी है, इस ताल्लुक से खत भी वजीर आजम मोदी को संतोष पाटिल ने पहले भी लिखा था। यह एफआईआर दर्ज हुई है, ईश्वरप्पा का नाम भी दाखिल किया गया है, पर ईश्वरप्पा की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। कल कांग्रेस की जानिब से भी ईश्वरप्पा के घर को घेरने की कोशिश की थी, लिहाजा 45 कांग्रेस कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया। भाजपा और संघ परिवार के काम करने के तरीके की भी वाकई दाद देनी पड़ेगी। चोर मचाए शोर की तरह भाजपा रिश्वतखोरी में मुलविस तो है, लेकिन साफ सुथरी सरकार होने का दावा भी पूरे जोर से करते, यानी कि झूठ बोलो तो भी जोर से बोलो का एक फॉर्मूला इन्हें मिल गया। इसी तरह खुद धर्म जात पात नफरत की सियासत हमेशा करते रहते हैं, और ये कोई ढकी छुपी बात भी है नहीं, अब तो खुलकर लोग बोल रहे हैं, लेकिन इल्जाम दूसरी पार्टियों पर लगाती है और विकास विश्वास की बातें करती है, और ये वाकई हुनर इन्होंने सीख लिया ऐसा कह सकते हैं। तभी तो आवाम को बेवकूफ बनाने में हमेशा कामयाब भी होते रहते हैं। आज एक बार फिर आपने देखा होगा कि भाजपा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ बयानबाजी तो करती है और अमल भी करती है, और संविधान मुखालिफ कार्रवाइयों में शरीक भी रहती है। इन्हीं के हिमायती मनुस्मृति लाने की बात भी करते रहते हैं, बाज वक्त संविधान को जलाते भी हैं, तो कुछ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात भी करते रहते हैं, और अब तो खुलेआम जो चाहे संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। लेकिन आज जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की यौम पैदाइश मनाई जाती है तो फूल मालाएं चढ़ाने भी ये नहीं भूलते, आपको ये पेश पेश नजर आते हैं। गांधी जयंती के रोज भी इनकी नौटंकी देखी जाती है कि गांधी के मजार पर फूल मालाएं चढ़ाई जाती है, लेकिन इनके अंदर इनके दिल में अधूरा गोडसे बसा हुआ होता है, और अब तो गोडसे को महात्मा बनाने के बाद खुलेआम हिंदू महासभा कर रहे हैं। ताज्जुब तो इन तमाम लोगों की गिरफ्तारियां अमल में नहीं आती इस पर होता है, ईश्वरप्पा की गिरफ्तारी भी अब तक नहीं हुई है। हर बात इसी कानून न्याय व्यवस्था पर उठ रहे सवालों पर ही है, तो किसी तरह का लिहाज नहीं देखा जा रहा। मतलब पहले अदालत, इंतजामिया, संविधान, मुल्क दस्तूर का पासो लिहाज रखते हुए बेगुनाहों को गिरफ्तार करना या फिर एक तरफा कार्रवाई पर डर खौफ देखा जाता था, खासकर इंसानी हकूक तंजीमों का दबाव भी महसूस किया जाता था, लेकिन अब किसी तरह का डर खौफ पासो लिहाज संविधान की अजमत वगैरह कुछ नहीं रहा। इसे मध्य प्रदेश खरगांव फसाद के मद्देनजर देखा जा रहा है। मुस्लिम मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक मामला पुलिस और हिंदुत्ववादियों के बीच था, लेकिन इसे मुसलमानों की तरफ फेर दिया गया। आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि अब अदालत के फैसले का इंतजार नहीं किया जाए, लिहाजा बुलडोजर के जरिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराकर 70 मकानों को गिरा गया, जिस पर एतराज तो दर्ज किए जाते हैं, लेकिन यहां सुनता कौन है, कौन किसकी सुनता है। अब जब सवाल उठाने लगे हैं तो एनक्रोचमेंट का बहाना पेश किया जा रहा है, लिहाजा इतना इस कार्रवाई के जरिए शिवराज हुकूमत ने अदालत का इंतजार नहीं किया जाएगा, बल्कि अब हुकूमत ही फैसला लेगी कि किसको सजा देनी है और कौन मुजरिम है। मुस्लिम नौजवानों को पकड़ पकड़ कर जालिमाना रवैया अख्तियार करने के वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। एक तरफ कार्रवाई पर आवाजें तो उठ रही, लेकिन खामोशी भी अख्तियार किए हुए पूरा देश देख रहा है। आखिर क्या पैगाम इस खामोशी के जरिए ये मुल्क देना चाहता है। रमजान के महीने में जानबूझकर मुस्लिम इलाकों में जुलूस ले जाना और इश्तआल अंगेज गाना बजाना के टोपी वाला भी सर झुकाकर सिर राम बोलेगा, मतलब फसाद की तैयारी पहले ही हो चुकी थी और अब इंतजामिया शामिल होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। एक और खास बात, 6 रियासतों में जो फसाद हुए, इससे जाहिर होता है कि इन्हीं में से कुछ लोग पथराव भी करते हैं और मस्जिदों से पथराव होने की बात कहते हुए फसाद को शुरू किया जाता है, इनके मतलब पहले से ये सब तय रहता है। खरगांव फसाद के मद्देनजर मुस्लिम लीडरों ने हुकूमत और इंतजामिया के आला अफसरान से मुलाकात कर ज्यादती न करने की गुजारिश की। 70 मकाना था बुलडोजर के जरिए गिराए जा चुके, इन्हें फसाद के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। आपने देखा होगा कि किस कदर
मुस्लिम मोहल्लों में घुसकर हिंदुत्वादियों ने दुकानों मकानों में आग लगाई हुई। ये भी तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। इसके बावजूद भी सिर्फ एक समाज को जिम्मेदार ठहराकर इनके घरों दुकानों पर बुलडोजर चलाना कहां तक सही है, और बिना तफ्तीश के एक ही दिन में कैसे कौन फसादी होने का फैसला ले लिया गया। आखिर अदालतों का कुछ काम बाकी रहा या नहीं? क्या तफ्तीश तहकीक के बगैर क्या एक ही समाज पर कार्रवाई का फैसला पहले ही लिया जा चुका था? इसके खिलाफ विपक्ष भी आवाज उठा रहा है। फसाद की असल वजह को नजरअंदाज कर मुस्लिम समाज को जिम्मेदार ठहराया गया। पुलिस और बीएचपी के दरमियान जुलूस के रास्ते को लेकर बहस हुई। पुलिस अफसर एसपी सिद्धार्थ चौधरी भी वहां मौजूद थे और इसने रास्ता बदलने से इनकार भी किया था। लिहाजा बीएचपी के कारकुनान ने पुलिस वालों पर पथराव किया और यही से फसाद शुरुआत। दोनों तरफ से पथराव हुआ। भीड़ को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। इसी दौरान एसपी सिद्धार्थ चौधरी के पांव में किसी ने रिवॉल्वर से गोली मार। जाहिर है सभी जानते हैं कि कौन लोग हो सकते हैं, आज किसके पास ये तमाम हथियार मौजूद हैं और कई जगहों पर पहुंचाए भी जा चुके हैं और पूरे खबरें भी आपके सामने आ रही है, यहां तक कि कुरियर के जरिए से हथियार पहुंचाए जा रहा। खैर, एक अलग मामला है जिस पर तबसरा कभी और मौका देखकर करेंगे। अब एक तरफ कार्रवाई पर जब सवाल उठाए जा रहे हैं तो एक और बात सामने ये भी आ रही है कि मुसलमानों की तरफ से महज एक ही कंप्लेंट फाइल की गई है और दूसरी तरफ से कई एफआईआर मुसलमानों के खिलाफ लॉन्च की गई है। मुसलमानों की तरफ से कोई सामने आने को तैयार नहीं। मुस्लिम समाज पूरी तरह से डरा सहमा नजर आ रहे हैं। कई नौजवानों ने गाँव भी छोड़ने की खबर हासिल हुई। कई लोग डर कर घरों को खाली किया। यही मंजर आपको गुजरात में भी देखने को मिलेगा। हिम्मतनगर साबरकुंठा जिला में जो फसाद बर्पा किया गया जिसमें दरगाह मस्जिदों को निशाना बनाया गया, नजर आतिश भी किया गया, लिहाजा आज भी 2002 के फसाद का डर आवाम की नजरों में देखा जा रहा है। कई खानदान डर से गांव छोड़ने पर मजबूर होने की बात कही जा रही है। यह शरारत की इंतहा देख सकते हैं कि जानबूझकर दो रामनवमी के जुलूस निकाले गए। एक भीड़ जो भगवे झंडे पकड़कर मुस्लिम मोहल्लों में घुसती देखा गया। लिहाजा इन तमाम फसादात में इतना सबक सीख सकते हैं कि अब अदालत तक पहुंचने से पहले क्या हुकूमतें फैसला करेंगे। धीरे धीरे संविधान अदालती इंतजामिया नज्म जब्त को खत्म कर दिया जा रहा है और सभी खामोश है। यही आज का पैगाम। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। मारो चूतड़ पे, चूतड़ पे उसको 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 भी। हाँ हाँ दे दे दे, ये इसको 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 लो, कन्हैया लो, चांटा वाला कन्हैया। छोड़ो अब इसको, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, छोड़ दो इसको इसको। हाँ मानना इसको, इसको ले इधर। तुम्हारी माँ की चूत पेट्रोल पंप फेंक रहा है। भगा इसको, दौड़ा दौड़ा इसको, भगा अरे इसको पकड़ना। चूतड़ पे दो दो केवल दो 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 मारो दो। ರಾಜನೇಮಕೋಡ ಮಠ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಳೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 4 ದಿವಸವರೆಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಓಪನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆದರೆ ರಾಜನೇಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ. ಮತ್ತು ಇದು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಗಿದೆ, ಅವರು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಮುಂದೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೆ. ಈಗ ಅವರ ಸ್ವತಃ ಹೆಂಡತಿನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಈಶ್ವರಪ್ಪರಿಂದ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ ಇದೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಕ್ಷ ಇದೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಭಾಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿ ಕೆ ರವಿ ಅವರಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದು ಡಿ ಕೆ ರವಿ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಹರಿಶನ್ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಅವರ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಇದು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನೀವೇ ಕೇಳಬೇಕಿಂದ. ಈಗ ಅವರೇ ಸಹ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಭಜನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೊಲೆ ಅಂತ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ತುಂಬ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಲಿತರ ಕೊಲೆ ಆದರೆ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೂ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಕಾಲ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯೂಸ್ ಐಡ್ ಥ್ರೋ. ಇವರೊಬ್ಬರೇ ಎಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಭಾಷೆನ ಕೇಳಿ ನೀವು, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅವ್ರ ಭಾಷೆನ, ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ
ಹೊಡೆದಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಡದಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು Thank you.